मित्रों, प्रेम को जिया जाता है, पाया नहीं जाता है। अगर कुछ पाने के लिए प्रेम किया जाए तो वो प्रेम नहीं हो सकता। जय श्री कृष्ण। मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे जी नाम वाले लोगों के बारे में। मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के जी लेटर से शुरू होता है या फिर आपके किसी मित्र या संबंधी के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के जी लेटर से शुरू होता है तो ये वीडियो आप अपने लिए भी देख व सुन सकते हैं, अपने मित्र या संबंधी के लिए भी देख व सुन सकते हैं। मित्रों, आज हम जी नाम वाले लोगों के अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी जी नाम वाले लोगों के तीन महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। जी नाम वाले बहुत ही समझदार होते हैं और स्वार्थी नहीं होते। जिसके संपर्क में रहते हैं उसके प्रति पूरी सहानुभूति रखते हैं। ये उच्च नैतिक स्तर वाले तथा गंभीर स्वभाव के होते हैं और इनमें अंतर्ज्ञान क्षमता बहुत होती है। ये लोग अपने सिद्धांतों के पक्के होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, दार्शनिक विचारधारा वाले होते हैं। दूसरों की सहायता करना इनको बहुत पसंद होता है। दूसरों की सहायता करके ये खुश भी होते हैं। इनकी स्मरण शक्ति बहुत प्रबल होती है और मानसिक शक्ति के बहुत धनी होते हैं। कोई भी बात हो खरी खरी कह देने में लोग हिचकते नहीं हैं और ऐसा करते समय ये देश काल परिस्थिति का भी ध्यान नहीं रखते। इनको जीवन में संघर्षों से गुजरना पड़ता है लेकिन संघर्ष करने से इनका भविष्य और अच्छा हो जाता है। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी ये लोग विचलित नहीं होते, बहुत ही कल्पनाशील होते हैं, बहुत ही भावुक और महत्वाकांक्षी होते हैं। लेकिन इनकी सारी इच्छाएं पूरी हों ऐसा कम ही हो पाता है। और जो जी नाम वाले लोग हैं, किसी भी कार्य को करने से पहले पूरी योजना बनाते हैं, उसके बाद ही योजना बनाकर ही अपने कार्य को आगे बढ़ाते हैं। प्रेम के मामले में ये सच्चे होते हैं, पर प्रेम शादी में बदलेगा ये थोड़ा मुश्किल से होता है। लेकिन बहुत ही आत्मविश्वासी होते हैं ये। अपने प्रेम को पाने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं और फिर ये कामयाब हो जाते हैं। हाँ, प्रेम में साथ निभाने वाले सच्चे जीवन साथी होते हैं और ये प्रेम में ईमानदार और काफी समर्पित भी होते हैं। मित्रों, सबसे पहले हम प्रेम संबंधों की बात करेंगे। संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों के मामले में अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का जो समय रहेगा वहां पर अक्टूबर का महीना बहुत अच्छे परिणाम नहीं दिखाएगा। वहां पर आपके साथी के साथ गलत फहमियां देखने को मिल सकती हैं। नवंबर और दिसंबर के महीने में बाड़ी पर संयम रखना ज्यादा आवश्यक होगा। अगर आपने बाड़ी पर संयम नहीं रखा तो प्रेम संबंधों में अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। इन तीन महीनों में प्रेम संबंधों की बात करें तो अक्टूबर का महीना बहुत बेहतर नहीं है। नवंबर और दिसंबर का महीना अक्टूबर से बेहतर रहेगा लेकिन वहां पर भी आपने बाणी पर संयम नहीं रखा और गलतफहमियां की, शंकाएं की तो संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। तो नवंबर और दिसंबर को हम सामान्य श्रेणी में रख सकते हैं। अक्टूबर के महीने में संघर्ष देखने को मिल सकता है तो प्रेम संबंधों के मामले में अपने साथी पर भरोसा रखना होगा, तालमेल बनाकर रखना होगा, तभी आपको ये तीन महीने अच्छे परिणाम देंगे। अगर आप सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं या फिर अपने मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं तो वहां पर नवंबर और दिसंबर ज्यादा बेहतर परिणाम आपको दिखाएगा। अक्टूबर का महीना उतना बेहतर नहीं रहने वाला है। प्रेम संबंधों के मामले में अगर हम देखें तो तीनों महीने आपको कुछ न कुछ संघर्ष दिखाते रहेंगे और प्रेम संबंधों में आपको अपने रिश्तों में मजबूती रखने के लिए अपने साथी पर भरोसा रखना होगा, अपने साथी की शंकाओं को भी दूर करना होगा। अगर आपके प्रेम संबंध पहले से हैं, अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, अपने साथी को मनाना चाहते हैं, अपने घर वालों को मनाना चाहते हैं, नवंबर और दिसंबर बेहतर हैं। आप प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है। आप देखेंगे कुछ लोग ऐसे अवश्य होंगे जिनकी शादी की बात पक्की होगी या फिर शादी भी होगी। वहां पर आप अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। और अगर प्रेम संबंधों में किसी तरह का कोई ज्यादा वाद विवाद चल रहा है, उसको समाप्त करना है तो वहां पर भी नवंबर और दिसंबर बेहतर परिणाम आपको दिखाएंगे। वहां पर भी आप प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है। तो प्रेम संबंधों में आपको अपने संबंधों को मजबूत रखने के लिए, अपने संबंधों को अच्छा रखने के लिए अपने साथी के साथ तालमेल बनाना बहुत आवश्यक होगा, अपने साथी पर शंकाओं से बचना होगा और प्रेम संबंधों में एक दूसरे पर भरोसा बनाकर रखना बहुत आवश्यक होगा। और अगर आपके साथी के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के एस लेटर से शुरू होता है, जी लेटर से शुरू होता है, के लेटर से शुरू होता है या फिर आर लेटर से शुरू होता है तो आप देखेंगे कि जो परिणाम मैंने बतलाए हैं उससे अच्छे परिणाम आपको प्रेम संबंधों में देखने को मिल जाएंगे। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो वैवाहिक संबंधों में आपके लिए जो अक्टूबर से दिसंबर तक का समय रहेगा वहां पर भी आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। अक्टूबर का महीना वहां पर भी आपके जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर वाद विवाद हो सकते हैं, विरोध हो सकता है और आपके अहम के चलते और क्रोध के चलते तनाव देखने को मिल सकता है। वैवाहिक संबंधों में अहम से बचना है, क्रोध से बचना है
और अपने साथी पर भरोसा बनाकर रखना है। छोटी छोटी बातों पर बहस नहीं करनी है, इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलना होगा। नवंबर और दिसंबर का महीना वैवाहिक संबंधों के लिए भी बेहतर रहेगा। आपको अपने जीवन साथी से कोई ना कोई लाभ भी देखने को मिल सकता है नवंबर के महीने में। अगर आपका जीवन साथी कोई व्यापार कारोबार या नौकरी करते हैं और आपके जीवन साथी के साथ अगर किसी भी तरह का कोई भी मतभेद है तो नवंबर और दिसंबर के महीने में प्रयास करें, वो मतभेद भी आपके समाप्त हो सकते हैं। इन तीन महीनों में आपके जीवन साथी के साथ आपकी कोई ना कोई यात्रा भी बनती है और अगर वो यात्रा होती है तो वहाँ पर भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, यानी जीवन साथी के साथ संबंध आपके मधुर हो जाएंगे। अगर आप विवाहित हैं, किसी रिश्ते की तलाश में हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई ना कोई रिश्ता आए और आपकी शादी की बात हो या फिर शादी हो, तो आप देखेंगे नवंबर और दिसंबर के दोनों महीने आपके जीवन में कोई ना कोई रिश्ता भी दिखा सकते हैं और आपकी शादी की बात पक्की हो सकती है या शादी हो सकती है। कहना चाहिए अविवाहित लोगों के लिए नवंबर और दिसंबर काफ़ी बेहतर समय रहने वाला है। वैवाहिक संबंधों में भी किसी भी प्रकार के संघर्ष को दूर करने के लिए नवंबर और दिसंबर बेहतर है। रोमांटिक समय रहेगा, रोमांस रहेगा, लेकिन वाणी पर संयम रखना बहुत आवश्यक होगा। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ आपको तीनों महीने संबंधों में मधुरता बनाकर रखनी है, वरना वहां पर आप देखेंगे छोटी छोटी बातों को लेकर संघर्ष देखने को मिलेगा, वाद विवाद हो सकते हैं। तो आपके प्रेम संबंध हो चाहे वैवाहिक संबंध हो, आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है कि आप अपने साथी पर गलतफहमियां और शंकाएं बिल्कुल ना करें, छोटी छोटी बातों को बड़ा करने से बचें और आपसी वाद विवाद को बड़ा बिल्कुल ना होने दें। इस बात का ध्यान रखें, शंकाएं बिल्कुल ना करें और अपने साथी पर भरोसा बनाकर रखें, और कोई भी बात होती है तो आप अपने साथी के साथ स्पष्टता से उसको सुलझाएंगे तो आपके लिए बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। हम वाले लोगों के लिए उपाय की बात करें तो आप रोजाना सुबह नहा धोकर एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करें और रोजाना करें। रोजाना नहीं कर सकते हैं तो सोमवार को अवश्य करें और सोमवार को ही कभी कभी दूध भी अर्पित कर दें। ये उपाय आप पूरे तीनों महीने करें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे जी नाम वाले लोगों के तीन महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये जी नाम वाले लोगों का राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।